टुकड़े हो गए और एक एक पार्टी के तकरीबन 30-30 टुकड़े हो गए। तो क्या कहेंगे, आपका क्या मंशूर रहेगा, आप इलेक्शन में क्यों आए थे? मैं इलेक्शन में इसलिए आया हूँ कि आपको पता है कि यहाँ मेरा नारा है कि मैं अमीरों को लूटूंगा और गरीबों को इंशाल्लाह रहमान दे दूंगा और इनसे सबसे हिसाब लूंगा। ये जो रिश्वतखोरी का दौर चल रहा है इंशाल्लाह रहमान इस पर लड़ाई लड़ूंगा और हर लिहाज से लड़ूंगा, चाहे मेरी जान भी जाए, चाहे मुझे इंजीनियर की तरह जेल भी क्यों जाना पड़े। आपको लग रहा है कि पिछली सरकारों ने लोगों को नजरअंदाज किया है? बिल्कुल धोखा दिया है, नजरअंदाज नहीं किया, धोखा दिया है। खाली अपने खजाने भरे, अपने बच्चों को बाहरी कंट्रियों में अमरीका वगैरह खाली तालीम हासिल करके ले किया है और जो गरीब बच्चे हैं वो जेल काट रहे हैं। इसलिए आप इलेक्शन में आए? जी इलेक्शन में आया और इंशाल्लाह लड़के जीत के दिखाऊंगा और तब भी आपको हिसाब बोलूंगा। आपको लग रहा है आपकी जीत आई है? इंशाल्लाह हमारे जीत है इंशाल्लाह। एक तरफ बड़ी तीन पार्टियां हैं, वो इकट्ठी है, बड़ी बड़ी पार्टी का नाम लिया कि वो बड़ी पार्टी है, जमीनी सतह पे कहीं नजर आ रहे उनको तो कहीं कहीं टुकड़े हुए, उनको तो घरों में टुकड़े हो गए। वो ये भी कह रहा है कि हम 370 और 35 को वापस आएंगे, क्या कहाँ देखते हो आप? नहीं, उन्होंने बेचा है वो ला नहीं सकती, उनकी हिम्मत नहीं है, वो लाएंगे, उन्होंने बेचा है चीफ मिनिस्टर कुर्सी के लिए, लेकिन लाएंगे तो हम जैसे नौजवान लाएंगे इंशाल्लाह रहमान। Yeah.